सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभागीय आदेशानुसार सेट 3 परीक्षा का आयोजन जल्द ही होने जा रहा है, तो सेट 3 परीक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी, दिशा निर्देश इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहूँगी। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाएँ एवं अभिभावकों को इसकी जानकारी दें। तो चलिए जानते हैं कि सेट 3 से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं दिशा निर्देश क्या क्या होंगे। सबसे पहले, सेट 3 परीक्षा का आयोजन कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए किया जाएगा, यानी कक्षा 1 से पहली से 12वीं के विद्यार्थी इस परीक्षा को देंगे। दूसरी बात, यह परीक्षा 13 दिसंबर 2021 से प्रारंभ की जाएगी, यानी परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि 13 दिसंबर 2021 होगी। परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन होगा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय में आकर ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। बात करते हैं सिलेबस की। सेट 3 के लिए सिलेबस में अक्टूबर और नवंबर माह में SCERT द्वारा निर्धारित सिलेबस पर परीक्षा होगी। ये बात ध्यान देने योग्य है कि परीक्षा अक्टूबर और नवंबर माह में कराए गए फुल सिलेबस से होगी, किसी भी प्रकार की कटौती सिलेबस में नहीं की गई है। डेट शीट आप सभी तक विभाग द्वारा जारी करने पर जल्दी ही भेजी जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र DO या DWO कार्यालय से प्राप्त होंगे। जिन विद्यार्थियों का विषय इंग्लिश मीडियम है, उन्हें इंग्लिश मीडियम और अन्य विद्यार्थियों को हिंदी मीडियम के परीक्षा पत्र प्राप्त होंगे। कक्षा पहली से बारहवीं के सभी कक्षा प्रभारियों से अनुरोध है कि वह डेट शीट विद्यार्थियों की कॉपी में लिखे और सभी विद्यार्थियों को निर्देश दे कि उस पर अपने अभिभावकों के हस्ताक्षर करा कर लाएं और अगले दिन उसे चेक करें, ताकि परीक्षा की तिथि की जानकारी सभी अभिभावकों को मिल जाए। परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का भाग लेना अनिवार्य है तथा इसके बाद विद्यालय सामान्य प्रतिदिन की तरह ही लगाया जाए। विभागीय पत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। कृपया सभी अभिभावक एवं विद्यार्थी लेटर को पढ़ें और सभी दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके साथ फिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।